रुको जरा, सब्र करो, ये लाइन तो आपने काफी सुनी भी होगी और आप इससे वाकिफ भी होंगे। ये लाइन कहकर विकास पाठक उफ हिंदुस्तानी भाऊ काफी मशहूर भी हुए हैं और आज भी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और है। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के प्रतियोगी रहे विकास पाठक उफ हिंदुस्तानी भाऊ को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम को लेकर छात्रों को सोशल मीडिया पर भड़काने का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम को रद्द कराने की मांग की थी, जिसको लेकर पिछले कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी भाव ने एक पोस्ट किया था, जिसमें यह कहा गया था कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों। कहा जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने छात्रों से सड़क पर उतरने को कहा था। तब क्या काफी संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए और विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और महाराष्ट्र में धारावी में पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया और अब गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ मुंबई के थाने में FIR दर्ज हुई है, तो ये अग्रिम जमानत के लिए वकीलों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, विकास पाठक इससे पहले भी विवादों में रहे हैं और उन पर कार्रवाई होती रही है। इससे पहले उन पर अपने वीडियो के जरिए नफरत फैलाने का आरोप भी लगा है, इस वजह से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट एक बार सस्पेंड भी हुआ है। पुलिस संघ भी उनका पंगा काफी पुराना रहा है। कोरोना नियमों को तोड़ने की वजह से भी वे कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। अब छात्रों को उकसाने के आरोप में पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है और आगे की जांच चल रही है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जनता कनेक्ट और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।